हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर गाड़ी चलते समय टोल प्लाजा देखा ही होगा। टोल प्लाजा पर कार, बस, ट्रक और सभी गाड़ियों से टोल टैक्स लिया जाता है, लेकिन बाइक, स्कूटी या कोई और भी टू व्हीलर से टोल टैक्स नहीं लिया जाता है। तो इसका क्या कारण होता है कि टू व्हीलरों से या दो पहिया वाहनों से टोल टैक्स नहीं लिया जाता है? तो चलिए आइए हम इस वीडियो में जानते हैं कि क्यों नहीं लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, पहला कारण होता है लोड ऑफ व्हीकल ऑन रोड। फ्रेंड्स, बाइक का साइज और गाड़ियों के मुकाबले छोटा और हल्का होता है और टू व्हीलर से ज़्यादा लोड भी हम लोग नहीं ले जा सकते। हल्का होने की वजह से सड़क पर लोड और प्रेशर कम पड़ता है। फ्रेंड्स, दूसरा कारण है फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ राइडर। टू व्हीलर को पुअर मोड ऑफ ट्रेवलिंग माना जाता है। एक मिडिल क्लास फैमिली के पास बाइक का होना ही बड़ी बात है, जिससे कि इसे कम बजट वाला यात्रा का साधन माना जाता है। फ्रेंड्स, तीसरा कारण है कवर ऑल द टोल रोड। कार, पिकअप, बस, ट्रक या दूसरी जितनी भी गाड़ियां हैं, इससे आसानी से 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर या इससे ज़्यादा भी दूरी तय करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि टू व्हीलर से बहुत ही कम केस में ज़्यादा दूरी के लिए बाइक का या टू व्हीलर का यूज किया जाता है। जितने भी टोल प्लाजा हैं, सभी की अलग अलग लंबाई होती है। किसी का 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या 500 किलोमीटर। जो बड़ी गाड़ियां होती हैं, उससे टोल रोड का अधिक से अधिक दूरी कवर कर लिया जाता है। इस वजह से कार, पिकअप, बस, ट्रक से टोल टैक्स लिया जाता है, जबकि टू व्हीलर से टोल रोड का ज़्यादा से ज़्यादा कवर नहीं किया जा सकता है। इसी वजह से टू व्हीलर से टोल टैक्स नहीं लिया जाता है। बहुत से लोगों का घर टोल प्लाजा के आसपास ही होता है, तो उसे कई बार कार्यों के लिए बार बार टोल प्लाजा क्रॉस करना पड़ता है एक ही दिन में। फ्रेंड्स, चौथा कारण है साइज एंड स्पेस ऑफ द टू व्हीलर्स। फ्रेंड्स, आपने कई बड़े वाहन हाईवे पर चलते हुए देखा ही होगा। किसी भी गाड़ी से टोल टैक्स लेने के लिए 1 PCU के बराबर होना चाहिए। फ्रेंड्स, PCU का मतलब होता है पैसेंजर कार यूनिट, और बस, कार, ट्रक 3 से 5 PCU के बराबर होते हैं। फ्रेंड्स, टोल टैक्स दो कारणों से लिया जाता है। पहला, हाईवे को बनाने में जो भी खर्च लगा है उसे कवर करने के लिए, और दूसरा, रोड की समय समय पर मेंटेनेंस करने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियों से लिया जाता है। बड़े बड़े टेलर्स तो 6 से 9 PCU के बराबर होते हैं, इसीलिए इनसे अलग अलग टोल टैक्स लिया जाता है। जो टू व्हीलर होते हैं वो लगभग 1 PCU या इससे कम होते हैं, इस वजह से टोल टैक्स नहीं लिया जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि एक ही रोड पर अलग अलग टोल टैक्स लिया जाता है। जब रोड नया होता है तो इस टाइम पर टैक्स कुछ ज़्यादा लिया जाता है, ताकि रोड का कॉस्ट जल्दी से कवर किया जा सके। जैसे जैसे रोड पुराना होता है, यह टैक्स कम कर दिया जाता है। यह टोल टैक्स जिस स्टेट में रोड होता है, वहाँ की टोल टैक्स स्टेट गवर्नमेंट तय करती है। तो फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो में जाना कि किन कारणों से बाइक, स्कूटी या दो पहिया वाहनों से टोल टैक्स क्यों नहीं लिया जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।